वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी ये ज़बान बना रही हूँ मैं, गाय की ज़बान है। तो मैं इसकी तरकीब आपको बताती हूँ कैसे तैयार करेंगे। हमने एक पैन लिया है जिसमें हमने तैयार करना है, उसमें मैंने ये डाल दी है ज़बान, ऐड कर दी। और इसमें मैं डालूँगी पानी, जितना आपने इसमें पानी रखना है कि ये ज़बान गल जाए इसमें। मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसमें मैंने पानी इतना डाला है, इसमें गोश्त गल जाए इसका ज़बान का। अब मैं इसमें मसाले बताती हूँ। इसमें मैं डालूँगी ये कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, ये मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। इसमें मैं ये डालूँगी पिसा हुआ धनिया, ये तकरीबन 5 टीस्पून है। मैं ये डालूंगी हल्दी 1 टीस्पून। इसमें मैं ये लहसुन डालूंगी, ये मैंने कूट के डाला है, ये तकरीबन 1 चम्मच है खाने का। तो मैं डालूंगी अब 1 प्याज डालूंगी, एक दरमियाने साइज की। मैं ऐड करूंगी ऑयल, तकरीबन मैं 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है। अब इसको मैं तकरीबन जब तक गोश्त नहीं गल जाएगा तब तक मैं इसे पकाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसे ढक के रख दूंगी मैं 45 मिनट्स को, जब तक ये हमारा गोश्त गल जाएगा। देखिए ये हमारा मसाला रेडी है, ये जो गोश्त है इसका तकरीबन गल चुका है। थोड़ी सी कसर रखेंगे हम इसमें गोश्त में, फिर ज़्यादा ना गले, थोड़ा सा कच्चापन रहे। अब मैं इसमें ये डालूंगी पालक, मैंने 1 किलो पालक लिए, धो लिया है इसको। अब मैं इसमें डालूंगी, इस स्टेज पर हम पालक को ऐड कर देंगे। देखिए हमने इसमें पालक ऐड कर दी है, ये पालक अपना पानी छोड़ेगी, मैं इसमें पानी अभी ऐड नहीं कर रही। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने 1/2 टीस्पून ली है, इसलिए कि ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इसको मैं अभी मिक्स नहीं कर रही, इसलिए मिक्स सही होगा नहीं, तो इसलिए मैं इसे ढक के रखूँगी 5 मिनट को। जब ये पानी छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें इसको मिक्स कर लूँगी। इसे ढक देती हूँ 5 मिनट को, मैं ढक रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें 5 मिनट बाद चमचे चलाऊँगी। चलिए के 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं ज़रा इसमें चमचा चला दूँ ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं इस स्टेज पर मैं डालूँगी इसमें नमक ऐड करूँगी, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं करा था, अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये नमक जो है टेस्ट के मुताबिक आप अपने ऐड कर लेगा नमक, मैं इसमें इसके साथ मिक्स कर लूंगी इसे भी। जब पालक इसमें गल जाएगी अच्छी तरह से तो मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। ये तकरीबन 5 मिनट और हो गए हैं, हमारा पालक भी गल गया है, पालक बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, मैंने 2 काटनी हैं साइज की, और इसे भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी। तो मैं इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए और ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। ये हमारी ये रेडी हो जाएगी और ये ज़बान भी तकरीबन गल चुकी है पूरी। आप लोग ट्राई ज़रूर करेगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है पालक के साथ ये ज़बान।
बहुत मज़ेदार बनती है, टेस्टी बनती है, आप ट्राई करेगा लाजमी और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आपको। ये बहुत कम लोग खाते हैं जबान, मगर ये बहुत मज़ेदार बनती है, पालक के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये शोरबे वाली भी बनाई जाती है, मगर ये मुझे पालक के साथ पसंद है तो इसलिए मैं पालक के साथ बना रही हूँ इसे। आप लोग ट्राई करेगा और फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी रेसिपी। इसको मैं भूनूंगी इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए। लीजिए, इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये अच्छे से भुन चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है इसमें से, हरी मिर्च की, मेथी की। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। लीजिए, हमारी तैयार है। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए, ये हमारा मज़ेदार सी जबान पालक तैयार है। फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और फीडबैक में बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।